आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। फतेहाबाद जिला के गांव जांडवाला बागड़ के अंदर एक कोरोना का संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला प्रशासन सिरसा की तरफ से भी काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सिरसा के बॉर्डर के जो भी नज़दीकी गांव जो हैं, वो जांडवाला गांव के नज़दीक लगते हैं, वहां पूरे के पूरे रोड जो है वो सील कर दिए गए हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं यहां चारवाला गांव के अंदर और आप ये देख सकते हैं कि ये चारवाला गांव से जांडवाला तक का रास्ता है और यहाँ से ये जांडवाला 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और जैसे ही परसों जब 6 तारीख को जब ये रिपोर्ट आई, उस व्यक्ति की जो कोरोना संक्रमित पाया गया, उसकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई, तो उसके बाद जहां फतेहाबाद जिला प्रशासन की तरफ से पूरे गांव को सील कर दिया गया था, वहीं जिला प्रशासन सिरसा की तरफ से भी एहतियात के तौर पर कई गांव के अंदर इस तरह की नाकाबंदी शुरू की गई थी। तो ये नाकाबंदी चारवाला गांव के अंदर इसलिए की गई क्योंकि यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे ये जांडवाला बागड़ गांव है और लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जैसे ही पता लगा तो 6 तारीख की रात से ही यहाँ पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ के जो नाके के ऊपर कई पुलिस कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, पूरे दिन और रात यहाँ पर पूरी सख्ती के साथ ड्यूटी अपनी यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह के क्या क्या यहाँ इनको दिक्कतें आ रही है और किस तरह से क्या इंतजाम यहाँ पर इन्होंने कर रखे हैं, लोगों को किस तरह से ये समझा रहे हैं। जी सर, कब से ये नाकाबंदी आपने शुरू कर रखी है? ये नाकाबंदी प्रशासन से कर रखी है, 6 तारीख से। प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन यहाँ पे आए हैं अब तक इस गांव के अंदर और क्या आपको हिदायत दे के गए हैं? अब तक अपने DC साहब आए हैं, SP सिरसा आए हैं, डिप्टी एलनाबाद आए हैं, SHO चोपटा, चौकी इंचार्ज कागदाना हमारे पास आए हैं और ये हिदायत दे के गए हैं, इधर से कोई नहीं आना चाहिए और ना ही इधर जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा कोई सीरियस एम्बुलेंस वगैरह में ज़्यादा सीरियस मरीज हो, उसके लिए हिदायत दी गई भाई थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो तो इधर उधर जाना दे, वरना कोई नहीं जाना, ना ही आना दे। लोगों को आप किस तरह से जागरूक करें, अगर यहाँ से कोई आता भी है तो उसको क्या? सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं भाई, एक दूसरे के नज़दीक मत लगो, मास्क लगाए रखो, ट्राली में बैठ के जाओ तो भी आपस में अलग अलग कोनों में बैठो, खेत में काम करो तो दूर दूर काम करो, दूर रहने के लिए कहा गया सबको, अपने बचाव में बचाव है। चलिए, तो ये यहाँ पर पुलिस कर्मचारी पिछले 2 दिन से नाकाबंदी के दौरान 24 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि कम से कम जांडवाला बागड़ गांव के अंदर आप एंट्री ना करें। हालांकि आगे फतेहाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी गांव को सील किया हुआ है, लेकिन यहां पर भी जिला प्रशासन सिरसा की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर नाकाबंदी शुरू करके इस तरह के ये एहतियात बरते जा रहे हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पुनिया। आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।